Sadhana Sangar's paintings are inspired by nature and all things that comprise nature. And you work in acrylics as well as watercolors. So tell us a little about your artistic journey, especially in Chandigarh, and also how have you grown as an artist in this city regarding your work? मैं बचपन से नेचर से बहुत इंस्पायर्ड हूँ. मेरे मदर जो दीवारों पे चित्र बनाते थे, अच्छा, उनसे, या मेरे मदर ने जब घर में काम करते थे, मिट्टी के ऊपर चलने वाली चिड़िया और उनके पैरों के जो निशान होते थे वो मेरे को आर्ट वर्क लगते थे. अच्छा, तो उनसे मैं हमेशा इंस्पायर्ड रही हूँ और उन्हीं से ही मैंने इंस्पायर्ड होके काम करना शुरू किया, ड्राइंग शुरू की. अच्छा, उसके बाद मैं कॉलेज में, स्कूल में, सारी जगह बहुत अप्रिशिएट होती रही हूँ आर्ट की वजह से. और उसके उसको जो मेरे को इतनी अप्रिसिएशन मिली, उसने काफ़ी मेरे को आगे फील्ड में जाने के लिए इंस्पायर किया जी. तो फिर मैं स्कूल से कॉलेज में आई. कॉलेज में, उस कॉलेज में पढ़ती थी जहाँ पर मास्टर ऑफ आर्ट्स पढ़ाते थे, ये होशियारपुर में. होशियारपुर में, ओके. तो होशियारपुर की सराउंडिंग बहुत खूबसूरत थी. अच्छा, रूरल सेटिंग. हाँ, रूरल सेटिंग भी, और फुट स्टेप्स ऑफ हिल्स में था. हाँ, ओके. तो जो फुट स्टेप्स ऑफ हिल्स है वो मेरे को हमेशा ही अपनी तरफ आकर्षित करती थी. और मेरे को एक ग्रेट मास्टर पंडित तीर्थराम जी के साथ काम करने का मौका मिला. वो हमें वहां तक ले जाते थे जहाँ लैंडस्केप ज्यादा पेंट करते थे. ओके, ओके. तो इसलिए मेरी फर्स्ट चॉइस लैंडस्केप रही. ओके. तो धीरे धीरे फिर लैंडस्केप्स में से मैंने ढूंढना शुरू किया. जब अपनी जर्नी आगे बढ़ाई मैंने वाटर कलर से, वाटर कलर के बाद अकेडमीज में सिलेक्शन होनी शुरू हुई मेरी पेंटिंग्स की. तो उससे जब अवार्ड्स वगैरह मिले तो और इंस्पिरेशन मिली. धीरे धीरे चंडीगढ़ में मैं 84 में आ गई. 84 से फिर मैंने बड़े आर्टिस्टों का काम देखे कि वो किस तरह से काम करते हैं जी. तो किस तरह से अपने जर्नी को आगे बढ़ाते हैं, क्रिएट कैसे करते हैं. फिर मैंने अपने नेचर को नहीं छोड़ा जी. तो मैं नेचर से ही आगे बढ़ती गई. ओके. पर उसमें कुछ नए एलिमेंट्स आए आपकी पेंटिंग्स में? हाँ, बिल्कुल इंस्पायर्ड. बिल्कुल, बिल्कुल. और चंडीगढ़ तो खैर खूबसूरत जी, बिल्कुल. तो मस्त खूबसूरत सिटी है. और मैंने यहाँ पर 90 में आके सारी सिटी को पेंट किया. अच्छा. तो जिसमें सबसे ज्यादा खूबसूरत मेरे को फ्लावरी ट्रीज लगे थे. अच्छा, जो फ्लावरिंग ट्रीज है. हाँ जी. तो उसका मैंने 92 में शो भी किया था. ओके. उससे पहले मैं वाटर कलर करती रही. फिर मैंने ऑयल में काम किया, ऑन द स्पॉट जाके पेंट किया, फिर मैंने शो किया. ओके. तो काफी अप्रिसिएशन मिली. फिर मैंने उससे हटके थोड़ा काम करना शुरू किया. बीच में फिर मेरी मैरिड लाइफ के 10 साल मैंने ब्रेक मारी. अच्छा. उसके बाद मैंने फिर दोबारा से जब काम शुरू किया तो फिर मैंने वाटर कलर इंक्स से किया. ओके. तो वाटर कलर इंक्स के मैंने शो किए, उसमें काफी कामयाबी मिली. तो वो थोड़ा काफी क्रिएटिव डिफरेंट है. किस तरह का चैलेंज फेस किया आपने? उसमें जो रिजल्ट्स बहुत जल्दी क्विक थे. ओके. और आपको क्विकली वर्क करना पड़ता था. ड्राई जल्दी होता था. हाँ, ड्राई बहुत जल्दी होता था. और जो है एक ही बार में एकदम आप जो पेंटिंग करते हैं तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो अपनी लाइन लगाने में बहुत एक्सपर्ट होना चाहिए. अच्छा. वो मैंने जो भी बनाना है तो मेरे को एक ही लाइन में करना, वो मैंने किया. ओके, ओके. उसके बाद फिर मेरा थोड़ा सा जो क्रिएटिव प्रोसेस था और रिच हुआ. फिर मैंने नेचर को जो वाटर कलर करते, फिर एक्रेलिक कलर्स आ गए जी. तो मैंने जब यूज किया तो एक्रेलिक कलर मेरे को वाटर बेस्ड था, वो मेरे को उड़ान मिली थोड़ी सी कि मैं बड़ा काम कर सकती हूँ. अच्छा. पहले पेपर पे करती थी. हाँ. तो फिर मैंने छोटी कैनवस पे, छोटी कैनवस से फिर अब बहुत बड़ी कैनवस पे. ओके, ओके. एंड अभी भी आपके काम में बहुत एक फ्लूइडिटी है, बर्ड्स हैं, बहुत ज्यादा एक वाटर का एलिमेंट है. हाँ. और बहुत विविड कलर्स भी हैं. हाँ, वो जो हमारे मैं अगर कहूँ तो बेसिक जो हमारा ह्यूमन नेचर है या हमारी क्रिएशन है वो नेचर से होती है. दैट्स राइट. तो मेरे को नेचर से इसलिए प्यार है कि वो बहुत सच्ची दोस्त है. इंसान इतना सच्चा दोस्त नहीं है जितनी नेचर है. अच्छा. इसलिए मैं अपने एलिमेंट्स को नेचुरल चीजों से ही लेती हूँ. अच्छा, अच्छा. तो मैंने फिगर बहुत कम बनाई है. हाँ जी,
ह्यूमन एलिमेंट कम है जी जी, तो मैंने कोशिश भी की है तो मैं कर नहीं पाई, मैं फिर वापस वहीं चले जाती। अच्छा। दूसरा मैं हर जगह घूमती बहुत हूँ, विजिट बहुत करती हूँ, वो इसलिए करती हूँ कि मेरे को मेरी नेचर के जो अकॉर्डिंगली कोई और एलिमेंट मिले तो मैं उसको, जैसे पहले मैंने बर्ड्स बनाए, फिर मैंने फॉरेस्ट बनाए, उसके बाद एक फिर मैंने बर्ड्स ऐड किए तो बर्ड्स पे पेंट की, फिर मैंने वाटरफॉल्स बनाए जी, जी जी। तो अब की जो पेंटिंग है जो मैंने ललित कला अकेडमी में की है जी, वो थोड़ा सा हटके है कि अब मैंने माउंटेन्स पेंट किए हैं। माउंटेन्स पेंट किए, ओके। तो आप नया काम आजकल कोई नई सीरीज पे काम कर रहे हैं किसी? मैं इसी पे शुरू किया है, माउंटेन्स पे शुरू किया। माउंटेन्स अराउंड द सिटी? नहीं, अराउंड द सिटी नहीं, सारी वर्ल्ड के जो जितने खूबसूरत माउंटेन्स है। इनफेक्ट मैं नगर गई जी, तो वहां मैंने रॉडिक का काम देखा कि उसने माउंटेन कितने अच्छे पेंट किए, तो मैं अपने स्टाइल से कैसे पेंट कर सकती हूँ, वो भी मेरे एक इंस्पिरेशन का कारण रहा है। मैं जब से ये पेंट करना शुरू किया तो मैं उससे पहले 2-3 बार नगर जाके आई हूँ, तो मैं वहां पर उनकी पेंटिंग देख के, वहां 7 दिन रह के देखा कि वाकई पहाड़ ऐसे ही दिखते हैं जैसे उन्होंने पेंट किया जी, जैसे उन्होंने कलर्स लगाए। तो उसके लिए थोड़ी सी मेरे को मेहनत करनी पड़ी जी, वो ये थी कि मेरे को सुबह अर्ली मॉर्निंग 3 बजे उठना पड़ता था, और मेरे को रियल सेंस में लगा कि रोडिच ने बहुत अच्छा स्पॉट सिलेक्ट किया है, यहाँ आके उसने काम किया। तो मेरे को दिन में वो पहाड़ों के कलर नहीं नजर आते थे कहीं भी, फिर मैंने इवनिंग में और मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग उठ के फिर मैंने ऐसा एक रूम ढूंढा कोई गेस्ट हाउस के जिसमें से सारे पहाड़ दिखे, तो वहां से मैंने काफी कुछ देखा, और उसके तो सिर्फ कलर्स ही थे। मैंने अपने उसके अराउंड देखा कि स्नोई पीक्स बहुत अच्छी हैं, उनके कलर चेंज हो रहे हैं, ये किस तरह से वो फ्लो करता हुआ पानी आ रहा है वहां पर, या वो जो उसमें एक फ्रीडम है, जो वो एक फ्लो है जी, है ना जी, वो आपके काम में बहुत दिखता है। हाँ जी, वो मैंने अभी पेंट तो किया। आप चंडीगढ़ इतने सालों से हैं, ऑलमोस्ट 30 इयर्स से, तो एज एन आर्टिस्ट आपको क्या चेंजेस इन द आर्टिस्टिक और क्रिएटिव लाइफ ऑफ चंडीगढ़ में लगते हैं? चंडीगढ़ मैं बहुत खुशी से आई थी क्योंकि मैं अपना आर्ट करना चाहती थी, मेरे फादर नहीं भेजना चाहते थे। अच्छा। तो मेरे को लगता था कि मैंने आर्टिस्ट बनना है तो मेरे को चंडीगढ़ रहना चाहिए। अच्छा। तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होती थी कि चंडीगढ़, मैं जॉब भी करती थी तो यहाँ से चंडीगढ़ से पटियाला जाती थी, फर्स्ट जॉब मेरी पटियाला में थी, तो तब से मेरी लाइकिंग है कि मैं चंडीगढ़ में रहूं, क्योंकि यहाँ रह के आप इतने खूबसूरत माहौल में, सिटी ब्यूटीफुल है, बहुत कुछ देती है, नेचर के बहुत करीब रहते हैं, बिल्डिंग्स में घिरे नहीं रहते हम, तो नेचर के एक जो मेरे ऊपर आशीर्वाद है मैं उसको मानती हूँ कि चंडीगढ़ में रहना एक बहुत बड़ी बात है। और आपको काम करने का बहुत मौका मौका भी मिलता है, अकेडमीज है, और मैंने अकेडमीज में पहले पार्टिसिपेट भी किया है, अब मौका मिला है लोगों के लिए भी कुछ करने का जी, वो भी करती हूँ। तो कला की बात की जाए तो मैंने यहाँ के आर्टिस्टों से, सीनियर आर्टिस्ट से बहुत कुछ सीखा जी, जी, जी। बहुत सारे नाम हैं जी, जिनसे हमने उनको काम करते हुए शुरू से देखा। इनफेक्ट मैं जब होशियारपुर पढ़ती थी तब भी हम वहां से बंक मार के यहाँ आते थे आर्ट कॉलेज की वर्कशॉप्स देखने जी, जी, जी। जब भी कभी कोई आर्टिस्ट आए तो आना जी, तो लेकिन अभी मैं चंडीगढ़ ललित कला अकेडमी को ये शेयर देती हूँ कि उन्होंने इन सालों में, मतलब जो इतने 5-6-7 साल मैंने देखे हैं, इतना ग्रो किया है, बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट यहाँ लाना और यहाँ सिटी आर्टिस्ट को उनका काम दिखाना एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। एज एन आर्टिस्ट साधना जी क्या चैलेंजेस फेस करती हैं एज इन द सिटी और जनरली एज एन आर्टिस्ट, और इंस्पिरेशन कहाँ से हमेशा मिलती है काम के लिए? इंस्पिरेशन तो मेरे को लगता है कि इंसान के अंदर, बाहर से तो मिलती है, एक जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो आप अपना अंदर बिल्डअप करते हैं, वो आपके एनवायरनमेंट से मिलती है, जिंदगी की जितनी चुनौतियां होती हैं अगर उनको आप पॉजिटिव लेते हैं तो, मतलब उन चुनौतियों को पॉजिटिव लेके आप कुछ करना चाहते हैं तो मेरा ख्याल से दुनिया की हर मतलब जो हमारी सक्सेस है उसको छू सकते हैं। तो मेरी जो, मैं आपको
आर्ट फील्ड में, आर्ट फील्ड में बहुत सारी चुनौतियां रही हैं शुरू में, जिस तरह से कि मैं ऐसे छोटे शहर से आई थी जी, वहां से जिस जितना मैंने काम सीखा जी, मेरे लिए यहाँ जब बड़े बड़े आर्टिस्टों को देखा तो बहुत बड़ी चुनौती थी यहाँ। तो सुप्रेम सिंह काम करते थे, वीरेन तनवर बहुत अच्छे आर्टिस्ट यहाँ काम कर रहे थे जब मैं यहाँ चंडीगढ़ आई हूँ, तो उसमें लेकिन मेरे को बहुत अच्छा लगा चंडीगढ़ आके कि मेरे को बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने अटेंड किया, मेरे को बताया। मैं हर आर्टिस्ट के पास जाती थी, उनसे काम के बारे में बात करती थी, स्टूडियो में जाके उनके काम करती थी, तो बहुत अच्छे से। लेकिन एक चुनौती रही है वो ये कि जब आप काम करते हो तो आपको एक एकेडमीज में जब आप काम देते थे तो कई बार जब रिजेक्शन हो जाती थी काम की, तो मैं कभी उससे घबराई नहीं। मैं हमेशा ये सोचती थी कि अगर आप अच्छा काम करते हो तो सिलेक्ट तो होना ही है, मैं हो सकता मेरा काम अभी अप टू मार्क नहीं हुआ। ये जो जिंदगी की चुनौती थी ना, इसने आज मेरे को यहाँ लाके खड़ा किया। तो डिसअपॉइंटमेंट नहीं लिया आपने? नहीं, मैंने कभी नहीं लिया, मैंने कभी आगे बढ़े हैं नहीं। मेरा पहले काम दिल्ली में सिलेक्ट हुआ जी, चंडीगढ़ में बाद में सिलेक्ट हुआ जी, अवार्ड वहां से दिल्ली से पहले मिला जी, चंडीगढ़ में बाद में मिला जी। जी तो अगर मैं चुनौती उसको नहीं, उस चुनौती को पॉजिटिव नहीं लेती तो शायद मैं नहीं कर पाती इतना काम। तो अब आप टीचिंग में भी आर्ट को काफी आप प्रमोट करती हैं अमंग द यंग पीपल आल्सो, तो आपको लगता है कि आजकल एज कंपेयर टू आपके टाइम पे इट्स इजियर फॉर यंगस्टर्स, अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, फैसिलिटीज ज्यादा है और प्रमोशन भी ज्यादा है, तो आप एज अ टीचर कैसे आर्ट को जो फॉलो करती हैं? एज अ टीचर मैं ये सोचती हूँ कि हमारे टाइम में हमें मेहनत बहुत करनी पड़ती है मटेरियल के लिए। पहली बात तो ये है कि हर जगह मटेरियल अवेलेबल है। तो जो स्टूडेंट है वो बहुत जल्दी काम मतलब उसका पकड़ में आ जाता है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट जितना करेगा उस मटेरियल के साथ उतना ही वो आगे बढ़ेगा। दूसरी बात ये रही कि आजकल कितने सारे एवेन्यूज हैं आर्ट के, अकेडमीज हैं, बहुत धड़ल्ले डाल काम कर रही हैं, बहुत अच्छे से सारे कॉम्पिटिशन हो रहे हैं। पहले इतना कुछ नहीं होता था, कंपटीशन का जमाना है तो हर जगह कंपटीशन भी हो रहे हैं, शोज भी हो रहे हैं हर गैलरी में। तो अभी मैं ललकला अकेडमी में हूँ, वहां की गैलरी हमेशा मतलब बुक्ड रहती है। तो वो मैं देखते हुए कि हर आदमी आर्ट करना चाहता है और इसका इंस्पिरेशन का जो स्रोत रहा है वो सारी अकेडमीज ही रही है, चाहे वो पंजाब ललकला अकेडमी हो या चंडीगढ़ रही हो। अगर ये एक्टिविटीज करते हैं तो सिटी उसको या स्टूडेंट उसको एक्नॉलेज करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं और आगे बढ़ने की अंदर भावना उनके पैदा होती है। तो यहाँ नहीं कि कॉलेज से पढ़े और वहीं तक रह गए, हमारे जमाने में ऐसा होता था उसमें कुछ लोग निकलते थे, आजकल के बच्चे ज्यादा काम करते हैं। और आप क्या सोचते हैं कि आपका जो सीक्रेट ऑफ सक्सेस है या जो आप आज तक इतना चैलेंजेस आपने क्या, व्हाट इज योर सीक्रेट कि आप आगे बढ़े इतना, एंड योर मैसेज फॉर यंग आर्टिस्ट? मैसेज यंग आर्टिस्ट के लिए यही होगा कि कभी भी किसी भी हालात में अपना काम ना छोड़ो जी, जो आपका लक्ष्य है वो चुन के चलो और उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जिंदगी की हर चुनौती को पार करो, जो आपने किया है जी। थैंक यू वेरी